बात आमदनी की हो रही थी तो लास्ट ट्रेजरार जो बीजेपी की वेबसाइट पर दिखता है उसमें आप ही का नाम दिखता है <laughs> और इसीलिए सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं क्योंकि मैंने बाग का डेटा खास आपके सेशन के लिए निकाला था नवंबर hmm. 10 से 16 का बीजेपी इंसर्शन नंबर ऑफ टाइम्स एंड एड इज एड ऑन टीवी इसमें आपने तमाम इन कंपनियों का नाम नहीं लूंगी साबुन क्रीम वीडियो

आज भारत में अगर एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है पूरे देश के नक्शे को देख लीजिए पूरे देश के नक्शे में भाजपा हर राज्य में आपको दिखेगी बाकी पार्टियां तो सिमट के एक दो राज्यों में रह गई मैं विज्ञापन की बात कर रही आता हूँ पान आता मसाला को भी पीछे छोड़ दिया आता हूँ वही तो लोकप्रियता है भारतीय जनता पार्टी की पूरे प्रदेश सब गिन लो आज भाजपा एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है तो स्वाभाविक है हर राज्य के चुनाव में मैं विज्ञापन देता हूँ स्वाभाविक है जब राष्ट्र केंद्र का चुनाव आएगा आगे तो आज तक और इंडिया टुडे में भी आपको हमारे विज्ञापन दिखेंगे क्योंकि हम एक पार्टी है जिनको पैन इंडिया अपनी बात पहुंचानी है हमारे कार्यकर्ता देश भर में ग्यारह करोड़ कार्यकर्ता है देश भर में सबसे ज्यादा वोटर हमारे साथ हैं सबसे ज्यादा राज्य सरकारें हमारे पास है बाकी पार्टीज सेकेंड हाइस्ट अगर कोई है तो उनके पास तीन राज्य है पता नहीं दो राज्य और एक यूनियन टेरिटरी है इस चुनाव के बाद पता नहीं वो भी रहेंगे कि कम हो जाएंगे अगर एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है तो स्वाभाविक है कि मुझे हर प्रदेश में एडवर्टाइज करना पड़ता है हर चुनाव में बाकी लोग को नहीं करना पड़ता है तो, वो तो सीमित सिम, है कोई एक पश्चिम बंगाल में एक पार्टी है आंध्र प्रदेश में एक पार्टी है तमिलनाडु में एक पार्टी है हर जगह एक एक जगह उनको एडवर्टाइज करना है तो मैं सबसे आगे होऊंगा पहली बात दूसरी बात हमारे यहाँ पे पारदर्शी तरीके से ईमानदारी से विज्ञापन दिया जाता है हमारे यहाँ बीच में बिचौले और दलाल नहीं होते हैं। तो हमारे पास कम पैसे से ज्यादा विज्ञापन करने की क्षमता है मैं अपने आप को गौरवशाली मानता हूं कि मैं ज्यादा अच्छा नेगोशिएट कर लेता हूँ अपने रेट्स को बाकी पार्टियों से इससे शायद मुझे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट मिलता है तो काम बोलता है कि विज्ञापन बोलता है भाई विज्ञापन पे मैं काम ही तो दिखाता हूँ और क्या दिखाता हूँ जो अच्छा काम किया है वो मैं विज्ञापन में जनता तक पहुंचाता हूँ आपने एक राह खोल दी है सोशल मीडिया के जरिए विज्ञापन के जरिए कह रहे हैं कि ऐसे आंकड़े और ऐसी चमकदार परिस्थिति दिखाई जाती है जो दरअसल होती नहीं है ये आपको लगता है कि है नहीं अभी मेरे विभाग का आप कोई आंकड़ा देख लो मैं रेलवे संभालता हूँ आज रेलवे में अनमैन लेवल क्रॉसिंग हजारों की तादाद में देश भर में थी हजारों की तादाद पिछले इतने वर्षों तक कभी हजार कम होते थे कभी 1200 कम होते थे हर वर्ष लेकिन एक्सीडेंट होते रहते थे हमने छह महीने के अंदर अप्रैल में मैंने आदेश दिया मेरे अधिकारियों को कि मुझे सब अनमैंड लेवल क्रॉसिंग मेन रूट पे खत्म करने हैं मैडम बारह एक साल में होते थे हमने छह महीने के अंदर तीन हजार दो अनमैंड लेवल क्रॉसिंग खत्म कर दिए पहले जमाने में कभी रेल खराब होती थी रेल की पटड़ी तो सालों साल खराब पटड़ी पे ट्रेन चलती रहती थी हमने पिछले साल 4,400 और इस साल 5,500 किलोमीटर गंदी पटड़ी निकाल के अच्छी नई पटड़ी बिछा के रिकॉर्ड कायम किया राजस्थान को ही ले लीजिए रेलवे में पहले 680 करोड़ प्रति करोड़ प्रतिवर्ष एवरेज 2009 से 14 निवेश होता था रेल सुविधाओं में रेल एक्सपेंशन में हमारी सरकार ने उसको चार गुना से ज्यादा अधिक कर दिया मोर देन फोर टाइम्स ये मोदी जी की सोच है कि जो काम करते हो उसको बताओ बताना जरूरी है नहीं हम तो बताते रहते हैं अब आपको तो सिर्फ नेगेटिविटी दिखती है मैं समझता तो हूँ हम पॉजिटिविटी देश में फैलाते हैं क्योंकि देश की जनता देश की युवा पीढ़ी को स्वाभिमान होना चाहिए कि देश आगे बढ़ है तेजी से बढ़ है और आगे बहुत काम हमें सबको मिलकर साथ में करना है